नागरिकता कानून पर कांग्रेस और शिवसेना में तकरार शुरू। क्या सीए पर दुविधा में फंसे उद्धव छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ? महाराष्ट्र में सत्ता के लिए शिवसेना ने भले ही कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, लेकिन उसे कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सारवाकर का मुद्दा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का, शिवसेना का कांग्रेस के हाथ हर मुद्दे पर तकरार हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने अचमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल कांग्रेस जहां राज्य विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना इससे इनकार कर रही है। लिहाजा सीए के खिलाफ कांग्रेस महाराष्ट्र कैबिनेट में अलग थलग पड़ गई है। इसकी वजह से नागरिकता संशोधन कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देने का दम भर रही कांग्रेस को झटका लगा है। महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में प्रमुख दल एनसीपी और शिवसेना ने सीए के खिलाफ अन्य कुछ राज्यों की तरह प्रस्ताव लाने से इनकार कर दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलनों से मुंबई की जनता परेशान है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सीए के विरोध में भ्रम फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लालच में कांग्रेस उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल तो हो गई, पर अब ऐसे एजेंडा को लागू नहीं करवा पा रही है। हिंदू वोट बैंकों के खिसकने के डर से उद्धव ठाकरे ने पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान की तर्ज पर सीए के खिलाफ प्रस्ताव लाने से इनकार कर दिया है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर शिवसेना का समर्थन शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी कर रही है। उद्धव जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिम छोड़ अन्य धर्मों के अल्पसंख्यक पीड़ित परिवारों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का। वो ये भी जानते हैं कि इसके खिलाफ कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं, लेकिन सरकार चलाने की मजबूरी में उद्धव अभी तक कांग्रेस के साथ जुटे हुए हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के विकास के लिए जिस तरह देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को पूरा श्रेय दिया और उनकी खूब तारीफ भी की, उनके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे का मन अब बदलने लगा है। जाहिर है नागरिकता कानून को लेकर उद्धव जिस तरह आड़े हुए हैं और बीजेपी नेताओं के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उससे ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सीए पर दुविधा में फंसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।